कांग्रेस छोड़ने के अगले दिन बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण मिल सकती है राज्यसभा सीट। कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मुंबई में भाजपा में शामिल हो गए। दक्षिण मुंबई के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के बाद चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस छोड़ने वाले तीसरे प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं। इससे पहले आज मीडिया को बीजेपी में शामिल होने के अपने फैसले के बारे में सूचित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कहा, आज यह मेरे राजनीतिक करियर की एक नई शुरुआत है। मैं आज औपचारिक रूप से उनके कार्यालय में बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा करेंगे, महाराष्ट्र के रचनात्मक विकास के लिए काम करें। ऐसे प्रबल सुझाव हैं कि अशोक चव्हाण को भाजपा द्वारा राज्यसभा सीट की पेशकश की जाएगी। माना जा रहा है कि बीजेपी आज शाम या कल सुबह तक अपने राज्यसभा सदस्यों की सूची जारी कर देगी। सूत्रों ने दावा किया कि राज्यसभा सीटों पर चर्चा के लिए आज उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के आधिकारिक आवास पर बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के लिए छगन भुजबल, समीर भुजबल और पार्थ पवार का नाम सबसे आगे है। अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थीं। चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कहा कि वह 48 घंटों के भीतर अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला करेंगे।